किंगडम प्लांटी को हम पढ़े थे, और किंगडम प्लांटी के अंदर हमने जब इसकी क्लासिफिकेशन को देखा था तो हमने कहा था कि हम इसको दो डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक ब्रायोफाइटा और एक ट्रैकियोफाइटा। और ये डिवीज़न हम किस तरह से करते हैं, ये डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़। यानी कि हमारे पास जो डिवीज़न ब्रायोफाइटा है इसके अंदर इन वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते, जबकि डिवीज़न ट्रैकियोफाइटा के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। डिवीज़न ब्रायोफाइटा की जब हमने मज़ीद क्लासिफिकेशन की थी तो हमने देखा था कि इसके अंदर थ्री सब डिवीज़न्स प्रेजेंट होती हैं, और वो कौन सी थी, हमने पढ़ा था हेपेटिक ऑप्सिडा, ब्रायोप्सिडा एंड एंथोसिरोप्सिडा। अभी तक हम इन तीन सब डिवीज़न्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे ट्रैकियोफाइटा को। और अगर आपको याद हो, इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने ट्रैकियोफाइटा के कुछ और सब डिवीजन्स को भी पढ़ा था, और वो क्या थी, हमने देखा था कि ट्रैकियोफाइटा की फोर सब डिवीजन्स हैं, और वो हैं सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। तो ये फोर सब डिविजन्स हैं ट्रैकियोफाइटा की। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर ट्रैकियोफाइटा से। जैसा कि हमने पहले बात की, डिवीज़न ट्रैकियोफाइटा में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं या वो प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं। और वेस्कुलर टिश्यू से क्या मतलब है, वेस्कुलर टिश्यू का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम एंड फ्लोएम का फ़ायदा क्या होता है, ये प्लांट के अंदर फूड और वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होते हैं। तो ये हमने देख लिया जाइलम एंड फ्लोएम। इसके अलावा ट्रैकियोफाइटा को हम देखते हैं कि ये लैंड प्लांट्स हैं, लैंड के ऊपर इजीली अडाप्ट किया हुआ है इन्होंने अपने आप को, और ना सिर्फ इसलिए सर्वाइव कर लेते हैं बल्कि बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं लैंड प्लांट्स। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये प्लांट्स ईजिली रफ एनवायरमेंट में या रफ लैंड के ऊपर ग्रो कर लेते हैं, और इनमें स्पेसिफिकली जावरिंग प्लांट हैं वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। तो ये हमने जनरल करेक्टरिस्टिक्स देख लिया ट्रैकियोफाइटा की। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और खसूसियात या कुछ और करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन प्लांट्स को हेल्प करते हैं लैंड के ऊपर सर्वाइव करने के लिए, और इन्हीं खसूसियात की वजह से ये लैंड पे इजीली ग्रो कर लेते हैं। तो वो क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं वन बाय वन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवीज़न ट्रैकियोफाइटा। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक जो हम इसके अंदर देखते हैं वो ये है कि दे पोजेस ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। इससे पहले जब हमने डिवीज़न ब्रायोफाइटा को पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि उनके अंदर रूट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स तो प्रेजेंट थे, लेकिन उनके अंदर ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट नहीं थे। जब हम डिवीज़न ट्रैकियोफाइटा को देखते हैं तो ट्रैकियोफाइटा के अंदर हम रूट को, स्टेम एंड लीव्स, इनके डेफिनेट स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, और यही इनका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो इनको हेल्प करता है लैंड के ऊपर सर्वाइव करने में। इसके अलावा जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है वेस्कुलर शीशे या वेस्कुलर सिस्टम कह देते हैं हम, वेस्कुलर सिस्टम। और ये वेस्कुलर सिस्टम क्या है, ये सिस्टम है बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम का, जिसके थ्रू प्लांट की बॉडी के अंदर फूड एंड वाटर, यानी कि उसकी खुराक और पानी दोनों पूरे पौधे के अंदर मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और पौधे के हर हिस्से में जहाँ पे भी पानी की या खुराक की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। इसको आप ऐसे समझ लें कि जिस तरह से ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इसी तरह से प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर सिस्टम या फिर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये हमने सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देख लिया। इसके बाद जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ट्रैकियोफाइटा का वो है प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया, प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरेंजिया हम कहते हैं ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, यानी कि ये एक सेक्स ऑर्गन है। तो इन प्लांट्स के अंदर हम ये देख रहे हैं कि दे हैव प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया, इनकी जो स्पोरेंजिया है वो प्रोटेक्टेड है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि
सेक्स सेल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, इनके अंदर जो जब स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं या गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो प्रोटेक्टेड होते हैं। तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रैकियोफाइटा जो हैं इनके अंदर पोलन ट्यूब्स प्रेजेंट है। पोलन ट्यूब्स, अच्छा पोलन ट्यूब्स का क्या काम है? पोलन ट्यूब्स जो हैं ये मेल गेमीट्स को कैरी करने के लिए यूज़ होते हैं। यानी मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट में जब हम देखें, अगर उसकी एग्जांपल देख लें, तो उसमें ये होता है कि जो मेल गेमीट्स यानी कि पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ट्यूब्स के अंदर बनते हैं, ठीक है, और पोलन ट्यूब्स के थ्रू ही वो ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि इनकी जो ट्रांसमिशन है वो भी सेफ हो जाती है। तो दो चीज़ें होंगी, एक तो पोलन ट्यूब से ये फ़ायदा हुआ कि वाटर इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन है और दूसरा सेफ ट्रांसमिशन है। इसको मेंशन भी कर देते हैं, सेफ ट्रांसमिशन ऑफ मेल गेमीट्स। तो ये फ़ायदा है पोलन ट्यूब्स का। इसके अलावा इन प्लांट्स के अंदर हम ये देखते हैं कि दे हैव फ्लावर एंड फ्रूट। इस प्लांट के कुछ ग्रुप्स के अंदर जो है वो फ्लावर और फ्रूट होता है, और वो फ्लावर और फ्रूट हेल्प करता है इनको रिप्रोडक्शन में। इसके अलावा फ्रूट के अंदर जो इसके प्लांट की फूड होती है वो स्टोर होती है। तो ये हम देखते हैं इन प्लांट्स के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनका वो है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक का क्या मतलब? हेट्रो मीन्स डिफरेंट और मॉर्फिक मीन्स मॉर्फिक, मॉर्फोलॉजी से वर्ड निकले, ठीक है, यानी कि मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि इनके अंदर जो दो जनरेशन प्रेजेंट है, यानी कि स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गेमिटोफाइट जनरेशन, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। तो ये हमने देख लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पाए जाते हैं ट्रैकियोफाइटा के अंदर, वो इनको हेल्प करते हैं लैंड के ऊपर सर्वाइव करने में। इसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंट, हमने जो यहाँ पे सब डिविजन्स की बात की है ट्रैकियोफाइटा के अंदर, सबसे पहले हमारे पास है सब डिविजन सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा कौन से प्लांट्स हैं? ये वो प्लांट्स हैं जो कि सबसे पहले, या हम इनको कहते हैं दे वर द अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट्स। मतलब एवोल्यूशन की पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो बहुत शुरू में बनने वाले जो वेस्कुलर प्लांट्स थे वो सब डिविजन सिलोप्सिडा से ताल्लुक़ रखते थे, और इनकी बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं दुनिया से। फॉर एग्ज़ाम्पल सिलोफाइटोन, हॉर्नियोफाइटोन या कुकसोनिया एक्सेट्रा एक्सटेंट। अभी हम जिन प्लांट्स को पढ़ते हैं या जो एग्जिस्ट करते हैं उनमें दो मेजर ग्रुप्स हैं, सिलोटम एंड मेसिप्टेरिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सिलोप्सिडा से रिलेटेड। अगर इसकी एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स में हमारे पास सिलोटम आ जाता है और मेसिप्टेरिस आ जाता है। इन इमेजेस को अगर आप देखें तो इनमें ये वाला इमेज है, ये है हमारे पास सिलोटम और ये इमेज है हमारे पास मेसिप्टेरिस। इसके बाद हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सब डिविजन सिलोप्सिडा के अंदर स्पोरोफाइट जो है वो रूटलेस स्पोरोफाइट होता है, रूटलेस स्पोरोफाइट, यानी कि इसके अंदर आप समझ लें कि रूट्स प्रेजेंट नहीं होती। और इसका जो स्टेम है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक हिस्सा अंडरग्राउंड होता है और एक हिस्सा ग्राउंड से ऊपर होता है। जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं राइजोम, और जो ज़मीन से ऊपर होता है उसे हम एरियल पार्ट भी कह सकते हैं। ये जो राइजोम है, इस राइजोम के ऊपर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं राइजोइड्स, और राइजोइड्स हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में। तो जो काम रूट्स का होता है वो यहाँ पे राइजोइड्स कर रहे होते हैं, और जो एरियल पार्ट है यानी कि वो हिस्सा जो ज़मीन से ऊपर होता है वो डिफरेंट ब्रांचेस के फॉर्म में होता है, और उन ब्रांचेस के ऊपर हम देखते हैं कि वो ब्रांचेस लीफलेस होती हैं, यानी कि उनके ऊपर लीव्स प्रेजेंट नहीं होते और ग्रीन कलर में होती हैं मोस्टली, और इनके ऊपर छोटी छोटी आउटग्रोथ प्रेजेंट होती हैं, और ये आउटग्रोथ बेसिकली फोटोसिंथेटिक होती हैं, यानी कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है।
ये हमने देख लिया स्टेम को। स्टेम के बारे में कुछ और चीज़ें भी हैं। स्टेम जो है वो मोस्टली सिंपल स्टेम होते हैं, अंदर से कुछ कम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा स्टेम है। और स्टेम के अंदर हम जानते हैं कि वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। तो एक हमने कह दिया कि दे हैव सिंपल स्टेम, और वेस्कुलर टिश्यूज़ जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो एक नैरो ट्यूब की फॉर्म में है, जो कि सेंटर में पाए जाते हैं, सॉलिड हैं, और उनमें कॉर्टेक्स रीजन थोड़ा ब्रॉड होता है। और क्या क्या देखा? एक हमने कहा कि वो नैरो हैं, सेंट्रल हैं, और सॉलिड हैं, और कॉर्टेक्स हमने कहा कि वो ब्रॉड होता है। अब कॉर्टेक्स क्या चीज़ है? एक इमेज है मेरे पास, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको वेस्कुलर बंडल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? ये गोल दायरा, ये आपको एक स्टेम दिखाया गया है, ठीक है। और इस स्टेम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये रीजन, यहाँ पे अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा हो तो ये रीजन क्या है? ये है कॉर्टेक्स। तो हम ये बात कर रहे हैं कि सिलोप्सिडा में जो कॉर्टेक्स रीजन है ये ब्रॉड होता है, यानी कि बहुत चौड़ा होता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो दरमियान में आपको एक हिस्सा नज़र आएगा जो कहलाता है पिथ। तो सिलोप्सिडा में ये पिथ प्रेजेंट नहीं होते, तो यही जो कॉर्टेक्स है वो ब्रॉड होके अंदर तक गया हुआ होता है। ये हमने देख लिया स्टेम। और अभी तक ये जितने भी हमने पार्ट्स पढ़े हैं, यानी कि हमने देखा कि स्टेम है, स्टेम में राइजॉइड्स हैं और एक एरियल पार्ट है, और रेस्कुलर टिश्यूज़ वगैरह, ये सब कहाँ हैं? ये सब स्पोरोफाइट का हिस्सा है, ठीक है। अगर हम इसके गेमिटोफाइट को देखें जो कि दूसरी जनरेशन है, तो गेमिटोफाइट जो है वो काफ़ी डिफरेंट है स्पोरोफाइट से, और वो इस तरह से है कि वो थैलॉइड पर मुश्तमिल होता है। एक काम करते हैं, इसको साइड बाय साइड हम देख लेते हैं। अच्छा, तो गेमिटोफाइट के हम क्या कह रहे हैं कि गेमिटोफाइट जो है वो थैलॉइड पर मुश्तमिल है, गेमिटोफाइट। और थैलॉइड क्या स्ट्रक्चर है? इस इमेज को अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे आपको सिलोटम दिखाया गया है। अब इसमें ये जो ऊपर का हिस्सा है ये सारा हम देख चुके हैं, और ये क्या है? ये स्पोरोफाइट, ठीक है। लेकिन वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर है, यानी कि अंडरग्राउंड हिस्सा है, वो कहलाता है गेमिटोफाइट, और वो ही थैलॉइड है। अब गेमिटोफाइट में क्या क्या होता है? एक तो हमने नाम लिया थैलॉइड, इसके अलावा गेमिटोफाइट जो है हमने कहा कि वो अंडरग्राउंड है, और गेमिटोफाइट जो है वो कलरलेस है, यानी कि ये थैलॉइड है, ये कलरलेस है। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक जो हम गेमिटोफाइट का देखते हैं वो ये कि यहाँ पे स्पेशल फंजाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट को अंडरग्राउंड हिस्से में फूड प्रोवाइड करते हैं। यानी कि यहाँ पे फंगस है जो कि क्या कर रहा है? इट प्रोवाइड्स फूड, और इन रिटर्न इसको फ़ायदा क्या हो रहा है? इसको प्रोटेक्शन मिल रही है। और इससे रिलेटेड फिनोमेना हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, जिसे हम कहते हैं सिम्बियोसिस। इट गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्लांट्स। और ये जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, इसका स्पेशल नाम भी होता है, इसे हम कहते हैं माइकोर्जा। यानी कि वो एसोसिएशन जो कि फंजाई और प्लांट्स की रूट्स के अंदर पाई जाती है, फंजाई प्लांट को फूड लेने में हेल्प करता है, और इन रिटर्न इसको प्रोटेक्शन मिल रही होती है। तो ये हमने देख लिया गेमिटोफाइट को। इसके बाद हम देख लेते हैं सिलोप्सिडा के अंदर रिप्रोडक्शन को, कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। रिप्रोडक्शन, जैसा कि हम ऑलरेडी स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट दोनों जनरेशंस को डिस्कस कर चुके हैं, जब हम इसके स्पोरोफाइट को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको स्पेशल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, जो क्या है? स्पोरेंजियम, ठीक है। यहाँ पे येलो कलर से आपको दिखाया गया है, कि इसको अगर मैं रेड से हाईलाइट कर दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये है, ये है, ये है, ठीक है। इस प्लांट बॉडी पे आपको डिफरेंट लोकेशंस पे यूँ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि है स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम क्या करता है? इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और यही हेल्प करते हैं इसको रिप्रोडक्शन में। और ये स्पोरेंजियम कहाँ पाए जाते हैं? ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रांचेस के अंदर ये स्पोरेंजियम पाए जाएंगे। इस पिक्चर के अंदर आप इसको देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्टेम दिखाई गई है, और स्टेम के ऊपर छोटी छोटी ब्रांचेस बनी हुई है, ब्रांचेस के ऊपर स्पोरेंजियम है, और इन स्पोरेंजियम के ऊपर यहाँ पे आपको रेड कलर से स्पोर्स दिखाए गए हैं, ठीक है। ये मेच्योर स्पोरेंजियम है और उसके ऊपर स्पोर्स बन रहे हैं।
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जो मैं ऑलरेडी डिस्कस करना भूल गई वो क्या है, वो ये है कि जो प्लांट बॉडी है ये डायकोटोमसली ब्रांच्ड है। डायकोटोमसली ब्रांच्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस प्लांट की जो ब्रांचेज हैं या इवन इसकी जो रूट पार्ट है, ठीक है, जो यहाँ पे राइजोइड वाला पार्ट है वो डायकोटोमसली ब्रांच्ड है। डायकोटोमसली ब्रांच का मतलब ये होता है कि जिस तरह से लेट सपोज ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये प्लांट है और ये दो ब्रांचेज बनाएगा, ठीक है, इसी तरह से जो ये एक ब्रांच है इसकी फिर मजीद दो ब्रांचेज बन जाएगी, ये ब्रांच है इसकी दो ब्रांचेज। यहाँ पे अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो आपको दिख रहा है कि ये एक ब्रांच, ये यहाँ पे एक स्टेम आ रही थी, स्टेम की दो ब्रांचेज बनी, फिर मजीद उसकी दो ब्रांचेज बनी, फिर उसकी मजीद दो ब्रांचेज बनी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डायकोटोमसली, डाई मीन्स टू, और जब हम रिप्रोडक्शन को देख रहे हैं तो इसका साइकिल एग्जैक्टली वैसे ही है हम जैसे हम ऑलरेडी ब्रायोफाइट्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन है जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, ये स्पोर्स जब कहीं और जाके गिरेंगे तो जर्मिनेट करेंगे और उससे हमारे पास गेमेटोफाइट जनरेशन बनेगी जो कि अंडरग्राउंड होगी। उस गेमेटोफाइट के ऊपर फिर गैमीट्स बनेंगे जिनकी मदद से एक न्यू स्पोरोफाइट बन जाएगा, और ये साइकिल जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा। तो ये हमने देख लिया रिप्रोडक्शन को। आज के को समराइज कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने किंगडम प्लांटी के अंदर डिवीजन ट्रैकियोफाइटा की बात की, और डिवीजन ट्रैकियोफाइटा में सबसे पहले तो हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और उसके बाद फिर हमने वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जो इसको हेल्प करते हैं ज़मीन के ऊपर सर्वाइव करने में, और उनमें क्या क्या चीज़ें थी। हमने देखा कि इनके अंदर रूट, स्टेम्स और लीव्स प्रेजेंट हैं, इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम यानी कि वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसके अलावा हमने देखा कि इनके जो स्पोरेंजिया है वो कवर्ड होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, इनके अंदर पोलन ट्यूब्स प्रेजेंट हैं जो कि मेल गैमेट्स को हेल्प करते हैं फीमेल गैमेट्स तक पहुँचने में। इसके अलावा हमने देखा कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनके अंदर, और इनके अंदर फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसकी फूड को स्टोर करते हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि इसमें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी कि दो जनरेशन जो इसमें प्रेजेंट है वो डिफरेंट फॉर्म्स की होती हैं। उसके बाद फिर हमने सब डिवीजन सिलोप्सिडा की बात की, और सब डिवीजन सिलोप्सिडा के हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया, इसकी दो एग्जाम्पल्स की बात की हमने, सिलोटम एंड मेसिप्टेरिस। फिर हमने इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जिसमें हमने स्पोरोफाइट जनरेशन और गेमेटोफाइट जनरेशन दोनों को देख लिया डिटेल में, और एंड पे हमने इसके अंदर रिप्रोडक्शन को देखा। तो ये था हमारे पास सब डिवीजन सिलोप्सिडा। पहले तो हमने डिवीजन ट्रैकियोफाइटा को देखा और फिर सब डिवीजन सिलोप्सिडा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो बाकी सब डिवीजन्स हैं इनको डिटेल में देखेंगे।